बाबूजी, आज से आपको यहाँ रहना है। आज से आपका घर यही है। बाबूजी, बाबूजी, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको दवाई, खाना पीना सब कुछ समय पर मिलेगा। और ये थैला देख रहे हो, इसमें मैंने आपकी धोती, जूती, दवाई सब कुछ इसके अंदर रख दिया है। आपको यहाँ पर किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे मैं भी आपसे मिलने आता रहूंगा। आइए, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। वृद्ध आश्रम के सभी बुजुर्गों को नमन प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं, अगले महीने दीपावली आने वाली है और हम सब मिलके दीपावली मनाएंगे। अब आप भूल जाओ कि आपको कोई लेने आएगा, मिलने आएगा, कोई संभालने आएगा। यहाँ पे कोई नहीं आएगा। अब हमें आपस में मिलजुल कर ही खुश रहना है। अब आश्रम ही हमारा परिवार है। हम आपस में खुश रहेंगे और इस दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो अब आप अपने अपने कक्ष में जाके आराम करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई साहब, बैठिए, बताइए कैसा आना हुआ जी। इनको एडमिट करवाना है। क्या लगते हैं आपके? पिताजी हैं मेरे। वृद्धाश्रम में लाने का कोई कारण? जी, ये अक्सर बीमार रहते हैं, 24 घंटे खांसते रहते हैं, घर में प्रॉब्लम होती है, बीवी बच्चे वो परेशान होते हैं। तो एक्चुअली मेरी बाहर की जॉब है, तो मैं इन्हें टाइम से संभाल नहीं पाता। यहाँ रहेंगे तो टाइम से खाना दवाई सब मिलता रहेगा। मैं पैसे दे दूंगा, जो भी इनका खर्चा होगा मैं हर महीने देता रहूंगा। ठीक है ठीक है, ऐसी बात होती तो तू यहाँ थोड़ी लेके आता बच्चू। तो आप फॉर्म भरिए ना, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? विक्रम। इनका आधार कार्ड? जी, इनके पास है। तो लो, मैं अपने आप भर दूंगा या साइन कर दो। ये लो जी, धन्यवाद। ध्यान रखना बाबूजी। श्याम जी, आप अरे यार, चाबी तो टेबल पे ही रह गई। हाँ जी, मेरी चाबी। हाँ हाँ, ये रही, ये ला रहा। ये लो चाबी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वो मेरे पिताजी आपके साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं? अरे, इन्हें तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ। कब से? मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब से आपको इस अनाथालय से गोद लेके गए थे। जब तुम 2 दिन के थे, कोई तुम्हें इस अनाथालय के दरवाजे पे छोड़ के चला गया था। अरे, इस सज्जन ने तुम्हें इसी अनाथालय से गोद लिया था, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी नौकरी लगवाई, तुम्हारी शादी करवाई। तब से जानता हूं मैं इनको। पाऊजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे अनाथ को इतना प्यार दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया,
इस काबिल बनाया, और आज मैं ये क्या पाप कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए बाप जी, मेरे साथ घर चलिए प्लीज बाप जी, घर चलिए। अरे घनश्याम भाई, आप बहुत बड़े दिल वाले हो, माफ कर दो बेचारे को। अभी आपकी बहुत सेवा करेगा और आपका इलाज भी करवाएगा। आपकी जरूरत घर पे है, आपके परिवार के साथ जाइए आप। हाँ बाबू जी, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा, बहुत ध्यान रखूंगा। मैं आपको यहाँ नाथ आश्रम में नहीं रहने दूंगा, आप चलिए बाबू जी, घर चलिए। अगर आज की युवा पीढ़ी को ये समझ आ जाए तो कभी भी किसी भी माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं आना पड़ेगा।